चेक करें कि वेनिस मॉल जो कि अंदर से कितना गजब का लग रहा है यार। ऑडी का कोई भी शोरूम नहीं है। सीट गोल हो गया, जबरदस्त गोल हो गया यार। अरे रखने तो दो। मैदा वाला रोटी की है। यहाँ से ये रहा वेनिस मॉल। सो हे वन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिल्ली से। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ दिल्ली में, और मैं आया था दो दिन पहले, लेकिन इतना ज़्यादा मैं थक गया था कि कल का दिन पूरा सोने में ही चला गया। बट आज मैं फिर से निकल चुका हूँ टूर पे, और मैं आपको अगर सीन बताऊँ तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ द ग्रैंड वेनिस मॉल, जो कि नोएडा में है। इसके सामने आप देख सकते हैं यार कि द ग्रैंड वेनिस मॉल के सामने, और आज हम लोग करने क्या वाले हैं कि इस ग्रैंड वेनिस मॉल की पूरा करेंगे एक्सप्लोर, यानी कि हम लोग अंदर जाएंगे और जो भी चीज़ें यहाँ पर वो आपको यार दिखाएंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, और बाकी चीज़ों को हम दिखाते हैं आपसे आगे। तो गाइज, आप ये चेक करें यार कि वेनिस मॉल के जस्ट बाहर ही गेट पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एक जो है फाउंटेन बना हुआ, जो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार। आप चेक करें यार, और इसके जस्ट बाहर जो है कि देख सकते हैं कि एक मूर्ति भी लगी हुई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगी है। गाइज, अभी फिलहाल मैं आ चुका था वेनिस में, और हम लोग लेने जा रहे हैं अंदर एंट्री। आप देख सकते हैं कि दीदी और भैया और बाकी सभी लोग जो है जा चुके हैं, बस मैं ही बाहर गया हूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग ले रहे हैं एंट्री, और फिर मिलते हैं आपसे सीधे वेनिस मॉल के अंदर। गाइस, हम फिलहाल हम लोग आ चुके थे यार वेनिस मॉल के अंदर। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरती इसकी यार। आप चेक करें कि वेनिस मॉल जो कि अंदर से कितना गजब का लग रहा है यार। आप देख सकते हैं कि यहाँ फोटोग्राफी भी चल रही है ना, और बाकी यहाँ पर सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी है इन लोगों ने, और जो इसकी खूबसूरती है मतलब इसके बारे में क्या ही कहना है। तो अभी फिलहाल हम लोग आए थे, थोड़ा बहुत हम लोग नॉलेज गेन कर लेते हैं, तब तक आप लोग म्यूज़िक के साथ सिनेमेटिक चेक करें। तो गाइस, अभी हम लोग आए थे वेनिस मॉल के नीचे बेसमेंट में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप इस पूरे मॉल को चेकआउट कर लीजिए यार, मतलब कितना सुंदर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऑडी कार्स भी रखी हैं, एक्चुअली यहाँ पे सेल आउट करने के लिए है, क्योंकि यहाँ नोएडा में ऑडी का कोई भी शोरूम नहीं है, और इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए, फिर कह भी सकते हैं कि यहाँ से सेल आउट भी करने के लिए यहाँ पे ऑडी रखी है, जो कि दो Q3 है और दो A4 है, ऑडी A4। तो यार काफ़ी सुंदर कलर भी है उन दोनों का, और बाकी मॉल की खूबसूरती तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देखें कि जो पोल्यूशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए गेम के थ्रू में दिखाया गया है, ताकि आप जो है कि आपका जो निशाना हो काफ़ी बेहतर बन सके, और जो राइट बीन है उसी में बॉल डालनी है। तो अभी फिलहाल इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं भैया, और ओ शिट, गोल हो गया, ज़बरदस्त गोल हो गया यार। ये चॉकलेट देंगे क्या हम लोगों को? आपका नहीं है क्या? ट्राई करिए। आपने कई बार
बाकी वीडियोस में यूट्यूब वीडियोस में एक चीज़ें देखे होंगे कि जो आइसक्रीम वाले भैया होते हैं आइसक्रीम देते नहीं है बल्कि उसके साथ कॉमेडी करते हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं यार, मतलब यहाँ पे वो चीज़ें भी हैं। आप देखें कि किस तरीके से छोटी बच्ची के साथ मज़े कर रहे हैं भैया, उसको दे नहीं रहे आइसक्रीम। रिया करना है ना, स्मॉल स्मॉल अरे रखने तो दो। अरे अच्छा करने दो रिया, करने दो। ए तोड़ मत देना पागल। अब आपके साथ बड़ा प्रेम होगा। खा लो आइसक्रीम। गाइस आप ये देखें कि अभी फिलहाल दीदी गई हैं आइसक्रीम को ट्राई करने। आप देख सकते अभी फिलहाल मजे ही आने वाले हैं क्योंकि दीदी के साथ बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है। गाइस आप ये देखें यार। दीदी आपने पकड़ लिया तो फिर आपको इनाम मिलेगा। फिर से प्रैंक होगा अभी। गाइस देखे यार, मतलब कितना बेहतरीन ये कर रहा है, हाथों की सफाई अच्छी है। कैसा रहा टिश्यू का फ्लेवर, कैसा था दीदी? कैसा लगा दीदी, कैसा लगा? मजा आया, मेरा मुंह दर्द करने लगा हंसते हंसते। लोग ये बताइए कि आइसक्रीम खा के कैसा लग रहा है यार? मेहनत के बाद मिला। कितनी मेहनत की आपने? एक बार पकड़ के मैं छोड़ दी। अच्छा दीदी, आपको लग रहा था कि आप पकड़ पाएंगी? लेकिन आपने तो पकड़ा भी नहीं यार। मैं पकड़ ली थी। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे।
देख सकते हैं कि हम लोग एस्केलेटर का यूज़ करेंगे और ये लड़की जो है एस्केलेटर पर चढ़ने से बहुत डरती है, तो अभी देखने वाले हैं क्या होता है इसके साथ। रिया चढ़िए, क्या हुआ, चढ़ी चढ़िए। गाइज आप ये चेक करें यार, ओ ऐसे तक चूहे भी नहीं चढ़ते। ओ भैया पकड़ के चढ़ा रहे उसको, आप देखें। ओ शिट, ओ माय गॉड। सो गाइज फिलहाल चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, फिर मिलते हैं आप स्लीटर पे। क्यों डरती क्यों है? सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे एक पैंटालून्स का शोरूम भी है, आप देख सकते हैं यार पैंटालून्स के शोरूम है और देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस भी हैं। एक्चुअली इसके बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है, थोड़ा मैं दीदी से पूछता हूँ। दीदी दीदी यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं? बस यहाँ पिज्जा खाकर, यहाँ पे सब कुछ, कपड़े हैं, घर का सामान है, मॉल है, तो सब वही है, अलग अलग तरीके की सब कुछ। अरे जब ऑडी मिल रहा है तो ऑडी लगा यहाँ पे मिलने, अब क्या चाहिए, तो सोच लीजिए सब कुछ मिलता है। गाइस आप देख सकते हैं मतलब इस वेनिस मॉल में सब कुछ अवेलेबल है यार, और हर एक चीज़ मतलब जो ब्रांड है और जो ब्रांड नहीं भी है सब कुछ मिल रहा है, तो कि ऑडी मिल रही है यार इस मॉल में। गाइस अभी आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने के लिए एक कह सकते हैं कि एक गेम के फॉर्म में जनरेट किया गया है, मतलब लोगों को गेम के थ्रू दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बनाया गया है यार। आपको करना क्या होता है कि जो राइट बिन, इट मीन्स कि राइट जो वेस्टेज है उसको राइट बिन में ही डालना है। फिलहाल मैं अपोजिट साइड के एस्केलेटर पे चढ़ रहा हूँ, देखते हैं कि अपोजिट साइड से कितने बारी में चढ़ सकते हैं, कितने टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं इधर से मतलब ऊपर जाते हैं और ब्राइट हो गया चालू है। फिलहाल मैं इधर से चढ़ने वाला हूँ ऊपर। सो गाइस अभी हम लोग आ गए थे सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे कुछ फोन एक्सेसरीज हैं, यानी कि फोन स्टॉक मार्केट लगा हुआ है, और इधर से फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड और दूसरी साइड देखते हैं हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती। बाकी वेनिस मॉल में हर एक चीज़ अवेलेबल है जो आपको चाहिए, चाहे हाउस होल्ड चीज़ें हों या फिर कोई भी चीज़ हो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है यार। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा, इसकी बनावट तो बहुत ही सुंदर है। देख सकते हैं कि ऐसे कॉरिडोर बनाए गए हैं और इस कॉरिडोर में मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार कहीं जा रहे हो। और बाकी आप लोग इसकी खूबसूरती देख सकते हैं यहाँ से सेकेंड फ्लोर से, क्या गज़ब का ये नज़ारा लगता है यार, जैसे जो पूरा वेनिस सिटी है उसके जैसे ही इसको बना दिया गया पूरा। तो गाइज अभी हम लोग थे वेनिस मॉल के सबसे टॉप फ्लोर पे और टॉप फ्लोर से नीचे देखने में यार डर लग रहा है। आप चेक करें कि जो इसकी हाइट है काफ़ी ज़्यादा है, आप देखें यार कितनी हाइट है ये, और यहाँ से वाकई में यार डर लग रहा है, नीचे देखने में डर लग रहा है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉप फ्लोर पे गेमिंग जोन भी है जहाँ बच्चे गेम भी खेल सकते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स भी हैं, कुछ फन वाली भी चीज़ें हैं जो एडल्ट लोगों के लिए भी हैं, बाकी बच्चों के लिए तो काफ़ी बेहतर है, गेमिंग जोन काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि दीदी और भैया की काफ़ी अच्छी से मस्तियाँ हो रही है। गाइस कोई कंफ्यूज नहीं होना, मैं इनको भैया बोल रहा हूँ, इनको दीदी, इट मीन्स कि वो दीदी हैं और उनके हस्बैंड हैं, लेकिन मैं भैया ही बोलूँगा क्योंकि भैया ही बोलना है ना। बाकी यहाँ से खूबसूरती काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हम हैं टॉप फ्लोर पे और यहाँ से ये रहा वेनिस मॉल। गाइस आपको पूल भी दिख रहा होगा, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, एक्चुअली वो पूल जो है कि पूरे वेनिस मॉल में कह सकते हैं इसे ट्रैवल करने के लिए है, नाव है, बोट है, बोट के जरिए आप उसमें पूरा ट्रैवल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ गेम्स भी ट्राई किया जाएगा, और गेम्स ट्राई करने हैं क्या, गेम ट्राई करना है कुछ, कौन सा गेम खेलना है डिसाइड कर लीजिए, कौन सा ये खेलना है,
सब खेलना है, सब खेलना है गाइस, देख रहे हैं तो सब खेलना है, सब खेलना है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए वो बड़े बच्चों के लिए नहीं है। छोटी हूँ, बड़ी नहीं हूँ मैं। अच्छा, फिलहाल हम लोग आ चुके थे गेमिंग जोन के अंदर, और सिचुएशन क्या हो रखा है कि यहाँ आपको गेमिंग जोन में कुछ भी ट्राई करने के लिए 700 का कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि गेमिंग जोन में काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो है कुछ गेम्स के स्पॉट लगे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ LCD गेम लगे हुए हैं, और यहाँ पे राइडर लोग भी हैं यार, हम जैसे कुछ लोग भी हैं यहाँ पे जो व्हीकल्स राइड करेंगे काफ़ी। लेकिन गेमिंग जोन में बहुत कुछ है देखने को, आपको मैं दिखाई देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हैं यार। आप देखें कि इधर कुछ जो ड्राइविंग रेस वगैरह भी है, MotoGP चल रही है, और ये कुछ बच्चों के लिए भी हैं आप देख सकते हैं, और ऐसा नहीं है बड़ों के लिए भी काफ़ी चीज़ें आप देखें। और शूट यहाँ शूटिंग आज के लिए भी है, आज शूट करना होगा, काफ़ी टफ है लेकिन और देख सकते हैं यहाँ पे गेमिंग के लिए मतलब काफ़ी अच्छा है। अगर आप इन्जॉय करना चाहें तो दिन भर आ जाएं, इसमें बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गेम्स बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब जो है बच्चों के लिए काफ़ी गेम है, तो विनिश मॉल में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही चीज़ें बनाई गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है यार। मतलब अगर आप यहाँ पे आके अगर घूमना चाहते हैं या फिर अपने टाइम को इन्जॉय करना चाहते हैं तो काफ़ी बढ़िया जगह है नोएडा में। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ट्राई करने वाले हैं इस कार को, जो कि काफ़ी एडवेंचर कार है, और ले जाके लोगों को जो है इसमें एक्सीडेंट करेंगे यार, हम तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा यार। वैसे अगर इसके नाम की बात करूँ तो इसे बम्पर कार कहते हैं, और इसकी कॉस्ट है 100 rupees पर हेड। जी हाँ, 100 rupees पर हेड, और यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं कि ऐसे हमको व्हीकल्स मिल जाएंगी जो कि काफ़ी मज़ा आने वाला चलाने में। तो फिलहाल इसको हम लोग कर रहे हैं ट्राई, तो मिलते हैं आपसे सीधा कार में बैठने के बाद। इसके अंदर जाने के लिए यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बाकी लोगों से पूछते हैं भैया आप अंदर जाने के लिए एक्साइटेड है? घूमने के लिए एक्साइटेड, ठोकने के लिए? हाँ, ठोकने के लिए एक्साइटेड, ठोकने के लिए एक्साइटेड। हरी कार को बहुत मजा। दीदी आप क्या करने वाली हैं? एक्साइटेड है, बहुत मजा आ रहा है। और मैम आप बहुत ज्यादा, आप किसको ठोकेंगी? नहीं नहीं, आपकी कार पीटेगी, ठुकने वाली है आपकी कार, एक्सीडेंट बढ़िया होगा आपकी कार का। हम प्रोफेशनली राइडर हैं, हम वैसे भी राइडर हैं गाइस यार, इनको तो पक्का ठुकना ही ठुकना है, मास ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है। गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं यार कार में, आप देख सकते हैं कि सभी लोग आ चुके हैं और कारें ठुकने वाली हैं बहुत तेज ठुक रहे। हालांकि एक चीज़ है कि यार ये कार कंट्रोल नहीं हो पाएगी, कैसे होगी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी भैया से पूछ लेते हैं, उसके बाद ठुकने वाली कार। तब तक आप लोग यार सिनेमाटी के साथ पूरे मजे लीजिए। तो गाइस फिलहाल हम लोग यार राइड करके आए थे बाहर, और क्या गजब मौसम का एक्सपीरियंस रहा यार, मतलब गजब की व्हीकल चली आप देख सकते हैं यार। और गाइस मैं आपको बता दूँ तो उसमें एक ही स्टेयरिंग है, और एक ही स्टेयरिंग से पूरा ही कंट्रोल करना है उसका, बहुत ज़्यादा राउंड के बाद जो व्हील है ना वो पीछे हो जा रहा है तो रिवर्स होने जा रही है, और अगर थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो जो व्हील है फ्रंट में रह रहा है, इसलिए गाड़ी अच्छी चल रही है। वैसे कैसा मजा आ रही है, मजा आया टुकके? आपको क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा आया? आई एम अ राइडर, आई एम अ राइडर, तुम लोग को ठोके हैं, प्रो राइडर। गाइस ये बात तो है यार, इन्होंने बहुत ज्यादा ठोका यार, आपने बस ठुकी है, आप बस ठुकी हैं। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग रुके थे कुछ खाने के लिए, और ऑर्डर किया है दीदी और भैया ने। क्या ऑर्डर किए हैं आप लोग? पिज्जा। कौन सा फ्लेवर? मैदा वाला रोटी किए हैं, रोटी मैदा वाला रोटी, चटनी और प्याज।
अदरक का पाव, अदरक का पाव लहसुन वाला पाव, ये लहसुन का रोटी। इस पे एक मुझे जो है कि वो याद आ रहा है ट्विस्ट वाला, गाइस आप देख रहे हैं पाव वाली रोटी नहीं, आपको मैदे वाली रोटी आ रही है, वो भी कहाँ से आ रही है, डोमिनोज से। तो फिलहाल हम लोग खा लेते हैं मैदे वाली रोटी, तो मैदे की रोटी खाने के बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस एक काफी लंबे इंतजार के बाद अभी फिलहाल हम लोग का नाम ले ही लिया गया है, तो फिलहाल भैया गए हैं लेकर के आने के लिए, और चेहरे पे स्माइल देखिए, मतलब इतना देर से आने के बाद यार काफी टाइम लग गया आने में। मैं नहीं रुकने वाली। क्या हुआ दीदी, वेट नहीं हो रहा? बहुत भूख लगी है। तो गाइस फाइनली वी हैव डन, हम लोगों ने अपना पिज्जा खा लिया है और आप देख सकते हैं हम लोग क्लीन भी कर देते हैं। हाँ, हम लोग जो है कि पोल्यूशन को रोकने के लिए जो भी चीज़ हम लोग डस्टबिन का यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी फिलहाल अभी देखते हैं, अभी फिलहाल यहाँ से बाहर जाने का प्लान बन रहा है रूम की साइड, तो देखते हैं क्या करना है, फिर मिलते हैं आपसे और बताते हैं आपको। सो गाइस फाइनली हम लोग वेनिस मॉल से आ चुके हैं बाहर और काफ़ी थक भी गए हैं क्योंकि यार मॉल काफ़ी बड़ा था, घूमने में थकावट हो गई है। आप लोग बाहर से इसका जो व्यू आप देख सकते हैं कि मतलब क्या गजब का व्यू आ रहा है, और काफ़ी बड़ा मॉल है यार, जस्ट लाइक वेनिस सिटी है अपनी। और देख सकते हैं कि लोग थक चुके हैं, सभी यहाँ थक हार के बैठे हुए हैं, और फिलहाल जो है कि मैं भी थक गया हूँ, तो आज के ब्लॉग मैं कर रहा हूँ पर एंड। और उम्मीद करते हैं आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और जितना पॉसिबल उतना शेयर करिएगा, और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच।